बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको बताते हैं 23 जून को इंडिया की फ़्लाइटें ओपन। आप पाकिस्तान की भी इंशाल्लाह जून के अंदर अंदर इंशाल्लाह पाक अपने चाहो तो सऊदी अरब की जो तमाम फ़्लाइटें पाकिस्तान के लिए खुल जाएंगी। और अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, कनाडा ने पाकिस्तान के लिए जो पाबंदी लगाई थी फ़्लाइट पर वो पाबंदी हटा दी गई है। उसके अलावा आपको बताते चलें कि जिस तरह की भी और फ़्लाइटें हैं, जैसे कि आपको पता इंडिया पर पाबंदी थी और इंडिया में पाबंदी हटा दी गई है। अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की तादाद जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन जो है वो पता नहीं क्या है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भी जान करीब जो फ्लाइटें ओपन हो जाएंगी डायरेक्ट सऊदी अरब की तो होगी, इंडिया की और दुबई की जो है आपस में स्टार्ट होगी। टर्किश एयरलाइन ने पहले से 3 गुना ज़्यादा फ़्लाइटें दुबई के लिए उड़ाने का फ़ैसला किया, और दुबई ने जो है वो स्पेन में, दुबई ने कतर में जो है वो उस पर फ़्लाइटें जो है वो चलाने का ऐलान कर दिया है। दुबई ने इंग्लैंड के लिए, कतर ने 1 जुलाई से जो है फ़्लाइटें उड़ाने का फ़ैसला कर लिया। तो बड़ी अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा और पाकिस्तान की फ़्लाइट्स के बारे में बचा इतना सब्र किया। 6 जुलाई के तक तो वैसे ही बैन लगा हुआ है। उसके अलावा बताया जा रहा है 30 जून से पहले पहले पाकिस्तान की पाबंदी फ़्लाइट्स की ओपन हो जाएगी, लेकिन देखें अल्लाह पाक खैर करे। और इसी तरह सारे मामला अल्लाह पाक अपनी रहमत करे, अपने जुम्मन में रखे, कामयाबी है काफ़ी में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नहीं इसी अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।